गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज सभी को सुनाई दे रही है? तो कृतिका में आप सर्वप्रथम पेज नंबर 48 पर पहुंचे। पेज नंबर 48 इस पर कमलेश्वर बेगम का परिचय लिखा हुआ है। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका जन्म 1932 में कहूंगा मैनपुरी उत्तर प्रदेश, कहां पर हुआ? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। एमए करते अतीश नामक मास्टर ऑफ आर्ट्स। दूरदर्शन के अतिरिक्त मार्गदर्शक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, रचना कार्य भी किया, जिनमें सारा दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर प्रमुख ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। किस अलंकार करके सो अलंकार से अलंकृत किया गया? पद्म भूषण से। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मृत्यु किए का मृत्यु 27 जनवरी 2007 कैसे हुई? यानी दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हुई, हार्ट अटैक। नई कहानी आंदोलन के अखबार है। कमलेश्वर की प्रमुख रचना है राजा निर्वंशियम, कोई की दिशाएं, 16 छतों वाला घर, चिंता मुदे, कहानी संग्रह है, वही बात, आगामी, अतीत, डार बंगला, कौमकारी, आंधी और कितने पाकिस्तान के उनके उपन्यास हैं, नोवेल हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर में अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। ये कवि का परिचय है। ये कवि का परिचय आप चैप्टर पे आए पेज नंबर 10 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 10 और इस पर रख कवि परिचय। कवि परिचय कहने चार सौ लेखक परिचय कहने लेखक परिचय और यहाँ पर है पाठ का परिचय। देखिए साहब, चैप्टर कहता है जॉन पंचम के नाम जाट पंचम की तरफ था। देखिए साहब, ध्यान से सुने सब छात्र, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी का क्या नाम था? महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ पांचवी इंग्लैंड की थी। एलिजाबेथ कहती है मैं अपने पति के, मैं कहते साथ, मैं मरे साथ। अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। कहां पधारने वाली थी?
हिंदुस्तान में अखबारों की चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबार से खबरें आ रही थी। क्या खबरें आ रही थी कि शायद होने के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो गई हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जे परेशान था टेलर कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगे। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस उनके पेरिस मालदीव का तूफान दौरा करने वाला था। सेक्रेटरी कहते हैं सचिव, क्या होता है सचिव, और जासूस कहते हैं खोज। एशिया मालदीव का दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, उस पार्टी के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। फोटोग्राफर थे, उनकी फौजें तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की पत्र में हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन छिप छिप की नजर आती थी कि रानी ने कैसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर है, यानी ऐसा सूट नीले रंग का सूट बनवाया जिसका कपड़ा हिंदुस्तान से महारानी एलिजाबेथ ने मंगाया था और उसका खर्चा 400 पाउंड। कितना खर्चा आया था? 400 पाउंड। ये पाउंड है ये उसकी मुद्रा नहीं है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों बाबरची, बाबरची कहते हैं रसोई बनाने वाले, खाना पकाने वाले जो व्यक्ति होता है उसको बाबरची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबरची। बाबरची यानी खाना पकाने वाला रसोई। अंग्रेजों की पूरी तरह पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले लोगों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। उस समय जो शाही महल जो राजाओं के महल होते हैं उनको कहते हैं शाही महल। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, संघ इंग्लैंड में बज रहा था, संघ नाद हो रहा था, हिंदुस्तान मारे की इससे तात्पर्य है कि इंग्लैंड में तैयारियां होने की महारानी एलिजाबेथ को यहाँ पे आने की, और यहाँ पर जो भारत में उसकी आने की तैयारी को लेकर जायजा लिया जा रहा था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही थी और उसको जो दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए रूपरेखा प्रस्तुति तैयार की जा रही थी, यानी तैयारियां इंग्लैंड में भी थी और तैयारियां यहाँ पर भी थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। खबर पर लिखा खबर कि राजधानी में टैब का बचा हुआ था जो रानी 5000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत होना चाहिए, जिसके बाबरची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, जान हथेली पर लेकर ना प्राण संकट में डालना, जान हथेली पर रखना, जान बाबा भाई जान तेरी पर रखना, यानी प्राण संकट में डालना, प्राण संकट में डालना। उसके 700 वर्ष से क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपना अपनी तरफ देखा और वक्ता हमसे निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, खुदा का शुक्रगुजार है, कभी हम उसको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, बदल दिल्ली बदलने लगी। क्यों बदलने लगी? क्योंकि महारानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए दिल्ली में तैयारियां की गई थी, क्योंकि 1911 से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, परंतु 1911 में परिवर्तित होकर के राजधानी कोलकाता से राजधानी को दिल्ली बनाया गया।
अर्थात 1911 से पहले राजधानी भारत की कोलकाता थी, परंतु 1911 के बाद दिल्ली बनाया गया। और करिश्मा तो ये कि किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, यानी जो पहले ओल्ड पावर सड़कें थी टूटी हुई थी, अब उनकी मरम्मत कर दी गई, नई बना दी गई थी, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, जो सड़कों पर धूल जम गई थी उसको साफ कर दिया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसके स्वागत के लिए महारानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए इमारतों ने नाजनीनों की तरह शुरुआत किया। नाजनीन कहते हैं यानी नव वधुओं की तरह, विवाहिताओं की तरह श्रृंगार किया गया, सजाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी कि वह जॉन पंचम की ना, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉन पंचम की ना बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ ना नहीं थी, जॉर्ज पंचम की नाम नहीं थी। नाम कहते नाम का सवाल, इज्जत का सवाल। इस नाम की भी एक लंबी दास्तान, एक कथा है। इस नाम के लिए बड़े टैग के मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, चंदा और कुछ पैसा एकत्र किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म पैसे भी होती, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की ना रहने रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ उसके विपक्ष में थे, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, दोनों तरफ से तटस्थ थे वो लोग। कैसे थे? तटस्थ, ना उसकी तरफ ना इधर की तरफ, केवल दोनों की तरफ के तटस्थ थे। यानी नाम का सवाल का मतलब होता है इज्जत का सवाल, जॉर्ज पंचम की इज्जत का सवाल था। कुछ लोग उसके पक्ष में थे जॉर्ज पंचम की में, कुछ लोग उसके विपक्ष में थे, पर अधिकांश लोग उन दोनों में तटस्थ थे। या बोल चला था जॉर्ज पंचम की नाम के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए, क्या मजा कि कोई उनकी नाक तो पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो साई लाखों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा होता रहा। गुरिल्ला कहते छापामार प्रणाली, गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं? छापामार प्रणाली, गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध से तात्पर्य छापामार, छापामार प्रणाली से युद्ध होता था, उसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। उसी जमाने के हादसे में ये हादसा हुआ, ये घटना घटित हुई कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाम, जो लाट होते हैं जैसे छतरी होती है, छतरी का ऊपरी हिस्सा होता है उसको लाट कहते हैं, उसी प्रकार से वो जो प्रतिमा होती है प्रतिमा ऊपरी हिस्सा उसको लाट कहते हैं। एक अचानक गायब हो गई, हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रही, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई, घर पर नाक लग रही थी जॉर्ज पंचम की, नाक चली गई। रानी आई और नाक ना हो, एक आई परेशानी बड़ी, एक आई अचानक हाँ सर, रानी आयो नाग ना हो, एक अचानक परेशानी बड़ी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर गांव की मीटिंग बुलाई गई, देश के जो सामंत साई व्यक्ति थे, सामंत साई व्यक्ति खैर गांव कहते हैं, सामंत साई व्यक्ति की एक मीटिंग बुलाई गई, सभा बुलाई गई, और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मशवरे कहते सलाह,
मुस्कुरी यानी सलाह ली गई, सलाह ली गई, परामर्श लिए गए। तो देखिए सर, दिमाग खर्च के लिए तय किया गया कि हर हालत में स्नान का होना बहुत जरूरी है। ये तय हो गई मूर्ति का हुक्म दिया गया, आदेश दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। और कहते तुरंत तुरंत दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार ये तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते उसने हुक्मों के चेहरे देखे, जो आदेश करने वाले थे उनके चेहरे हाव भाव देखे, अजीब परेशानी थी चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ भयभीत थे। यानी कुछ तो लटके हुए चेहरे, कुछ उदास थे और कुछ बेचारे कुछ कहने में, कहने और ना कहने में असमर्थ थे, कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी कावस वाली मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, यानी जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना, जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहां बनी थी। आप मुझे ये बताएं कि जो ये प्रतिमा है, मूर्ति है, कब एवं कहां बनी है। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब उपकाओं ने दूसरे की तरफ ताका, एक दूसरे की तरफ देखा, एक की नजर ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ कि क्लर्क को फोन किया गया। क्लर्क कहते हैं बाबू होते हैं, लिपिक, लिपिक, उनको फोन किया गया और उस बात को पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग के फाइलों के पेट चीरे गए, यानी पुरातत्व विभाग की फाइल थी, यानी जो मंदिर है, देवस्थान विभाग है, इसका कार्य पुरातत्व विभाग करता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। हाँ सर, तो किलर की लड़कर कमेटी के सामने काम के वजन के सर मेरी किताब माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी जो फाइलें हैं जिसमें ये दर्द था कि भाई ये प्रतिमा कहाँ से बनवाई थी, किस पत्थर से बनी है, वो इसमें दर्ज नहीं है। हुक्मों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे में ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और स्नात का दारोगा आप पर है। एक कमेटी को नियुक्त कर दिया कि अब आपकी जिम्मेदारी है इसे किस प्रकार से इसके नाम लगाए। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया और बोला पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान के लिए मैं हिंदुस्तान की हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। जान में जान आने से तात्पर्य मुसीबत थोड़ी कम नहीं। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, सभापति कहते हैं सभा का अध्यक्ष होता है, सभा की अध्यक्षता करता है कहते हैं सभापति। ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। गर्भ कहते हैं भूगर्भ, इस गर्भ इस जमीन के अंदर छिपी हुई है, जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। कहते हैं रत्न मनुष्य के द्वारा खोजा जाता है, यानी रत्न मनुष्य के द्वारा खोजा जाता है। वर्गी रत्न मनुष्य को नहीं खोजता, मनुष्य को नहीं खोजता। शेक्सपियर कालिदास का कथन है कि रत्न मनुष्य के द्वारा खोजा जाता है, रत्न मनुष्य के द्वारा खोजा जाता है, बल्कि रत्न मनुष्य को नहीं खोजता। तो पत्र की जरूरत उनको की मूर्ति का, तो मूर्ति करने का तुम्हें प्रत्येक पत्र पर ऊपर जाऊंगा और मैं कई दिन से इस प्रकार के पत्र का मिलान करके मैं अवश्य ही लेकर के आऊंगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छप गया। तुरंत मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद हताश लौटा, उसके चेहरे पर लाल बरस रहे थे, यानी
जैसे वो दौड़ा जैसे वो आया तो उसके चेहरा था चेहरे के जो हाव-भाव थे बिल्कुल उदासीन थे। उसने सिर लटकाकर खबर दी हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कोई डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। कैसा पत्थर है ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तय सुनाकर कहा लानत है आपकी अकल पर। विदेश की सारी चीजें हम अपना चुके हैं दिल दिमाग तोड़ करके और इनसे सब हिंदुस्तान में बार नाश तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल गया। ये लानत है तुम्हारे जो तुम्हारे काबिलियत है उसके लिए आप लानत है लाजमी हो सर्व की बात है कि आप इस प्रकार का पत्थर कितनी कोस पाए। ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मोती का चुप रहा था सहसा अचानक सहसा ये संस्कृत शब्द है अचानक हाँ सर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई थोड़ी प्रसन्नता आ गई उसके चेहरे पर। उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूंगा लेकिन इस पर शब्द यह है कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आई चपरासी को हुक्म दिया गया आदेश दिया गया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दी गई। तब मूर्तिकार ने कहा देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक सलाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यानी जो देश विदेशी जो नेता है उनकी जो मूर्तियां हैं उनकी लाटे हैं वो प्रतिमा है उनकी जो नाक से जैसे मैच खा जाती है मिल जाती है उसी नाक को उतार करके इसके लगा दी जाए। सबने सब की तरफ देखा सबकी आंखों में चढ़की बधाईवासी के बाद खुशी करने लगे कुछ कुछ उदासीनता के बाद प्रसन्नता चेहरे पर आने लगी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियार बड़ी इम्तियाज इत्मीनान से लाना है और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज बंसन की कोई हुई नाक का नाम उसके पास उसने नाप ले ली थी उसकी जॉर्ज बंसन की नाक की उसके पास था नाम उसकी पैमाइश। दिल्ली से कोई बॉम्बे पहुंचा दादा भाई नौरोजी गोपाल गोखले कृष्ण गोपाल गोखले वाल गंगाधर तिलक शिविर शिवाजी कामस्थी जहांगीर सबकी नाक उसने टटोली नापी और गुजरात की ओर भागा। यानी मुंबई में उसने दादा भाई नौरोजी कृष्ण गोपाल गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे कृष्ण गोपाल गोखले बाल गंगाधर तिलक शिवाजी कामस्थी जहांगीर सबकी ना पर गुजरात की ओर क्योंकि मुंबई में उनके नाम मैच नहीं था इन लोगों से भागा गांधी। गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल विठल भाई पटेल महादेव देसाई और मूर्तियों को बैठा देखा बंगाल की ओर चला यानी गुजरात पहले उठा गया पहले मूर्ति का मुंबई गया मुंबई से गुजरात गया और गुजरात से बंगाल गया। देखें बंगाल गया सरदार गोखले रविन्द्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस राजा राम मोहन राय आदिको की देखा नाम चुकी और बिहार की तरफ निकल गया। अब वह बंगाल से भी कहां निकल गया मूर्ति का बिहार की तरफ बिहार में होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर बिहार से निकलते हुए कहां पहुंचा है उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उत्तर प्रदेश को आया चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया यानी उनकी प्रतिमाओं के पास गया। लाट करके प्रतिमा लाट किसे कहते हैं प्रतिमा हाँ जी पास गया घबराने मद्रास से पहुंच गया। अब उत्तर प्रदेश के लिए कहां पहुंच गया है मद्रास पहुंच गया है पहुंचा सत्य मूर्ति को देख भी देखा और मैसूर केरला
दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। मद्रास से केरल पहुंचा है और केरल से देखो लेकर पंजाब पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पंजाब। तो पंजाब में लाल भारत रहा है, सरदार भगत सिंह की लाठ को भी सामना देगा, आखिर दिल्ली पहुंचा। फिर इसके बाद हम बेकर के लेकर कहां पहुंच गया है? दिल्ली पहुंच गया है। हाँ सर, दिल्ली पहुंचा उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज बंसन के नाक से बड़ी निकली सबकी नाक थी, वो जॉर्ज बंसन के नाक से बड़ी थी। जॉर्ज बंसन की नाक कैसी थी? सबसे बड़ी थी। यानी जॉर्ज सबकी नाक नाप लिया, परंतु जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, अन्य जिनकी महापुरुषों की नाक मिलाई थी वो बड़ी थी। सुनकर सब हताश हो गए, झिझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बनाते हुए, तसल्ली बनाते हुए कहा, आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों के नाम की पेट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी, जॉर्ज पंचम की लाठ को मल मल कर मिलाया गया था, रोगन लगाया गया था, कलर पुताई करवाई गई, पेंटिंग करवाई गई, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाम नहीं थी। बात पर बड़े पांव तक पहुंचे, हुक्म देने वाला था, खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाम ना लग पाए तो नानी का स्वागत करने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? ये तो अपनी नाक काटने कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। पैसे से लाचार था कलाकार, पर हार नहीं मानने वाला था। एक घर में किस घर आज अचानक उसकी विचार आया, उसके दिमाग में पौधा, उसने पहले सर्फ गहराए, जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हो गए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, जो कि नाम करना है एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है, मेरी सलाह है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी जो 40 करोड़ जनसंख्या है उसमें से किसी जिंदे व्यक्ति के नाम काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार को हिचकिचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्या घबराते हो, क्यों घबराते हो? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दिया, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए, आपका हुक्म चाहिए, आपका आदेश चाहिए, आपकी सहमति चाहिए। कान्हा मुंशी और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। मूर्तिकार को क्या दे दी गई? इजाजत दे दी गई, आदेश दे दिया गया, सहमति जाहिर कर दी गई। देखिए सर, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। क्या छपा अखबार में? कि जो नाक का मसला था वो हल हो गया है, सुलझ गया है, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाठ के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियार और पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का ताला सुखाकर साफ किया गया, उसके दबाव निकाले गए। दबाव कहते हैं कीचड़, दबाव कहते हैं उसकी कीचड़ निकाली गई और ताजा पानी डाला गया। जैसे जो गंदा पानी भरा हुआ था सूखा किया गया और फिर कीचड़ से उसको निकाला गया, तुरंत फिर से शुद्ध पानी भरा गया ताकि जो जिंदा नाक लगाए जाने वाले वो सूखने न जाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, ये सब तैयारी भीतर भीतर चल रही थी कि रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हंसी परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वो उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ की एक खास दिन हर हाथ में नाक लग जानी चाहिए, और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कदे पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार की सभा नहीं हुई थी,
कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, किसी का कहीं स्वागत नहीं हुआ और कोई मान पत्र भेंट करने का नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डा स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नाम तो सिर्फ एक चाहिए और वह भी बुद्ध के लिए, यानी केवल दिखावे के लिए नाम की आवश्यकता थी। चैप्टर का कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर आपके करा दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लास 10 देंगे? हाँ जी, क्वेश्चन आंसर दे देंगे आज, और संभावना ये है कि एक तारीख, हाँ भेज देंगे, संभावना ये है कि 1 सितंबर से स्कूल खुल जाए। ठीक है सर, और कल से क्लास SST की लगेगी। अब आपकी क्लास एंड पर किसी की कोई समस्या हो तो बताए। हाँ भाई, समस्या तो नहीं किसी की? चलो